आज देवबंद में सामाजिक एकता संगठन के कार्यकर्ताओं ने सर्दी को देखते हुए देवबंद के गली मोहल्ले में अपाहिज व जरूरतमंदों को रजाई वितरित कराई और हमारा संगठन हिंदू मुस्लिम व सर्व समाज की मदद के लिए हर वक्त तैयार है और आगे भी हमारा संगठन जरूरतमंदों की मदद करता रहेगा। संगठन के अध्यक्ष गुलफाम अंसारी ने गरीबों और मजलूमों की मदद का आगे भी आश्वासन दिया है, जिसमें संगठन के उपाध्यक्ष द्वेंद्र चौधरी, वाजिद प्रधान, मानकी महामंत्री इंतजार जयवीर आदि लोग मौजूद रहे। गुलफाम है मेरा नाम, जो हम देवबंद सामाजिक एकता संगठन की तरफ से यह काम कर रहे हैं। ये हमने 1.5 साल से शुरू किया था और आज हम कल से हम इस काम में लगे हुए हैं। जो हम रजाई वगैरह बांट रहे हैं, इसमें पूरे देवबंद में हम रजाई बांट चुके हैं। आखिरी ये गांधी कॉलोनी में आए थे, इसमें जो आदमी मजबूर हैं, लाचार हैं, विकलांग थे, उनके लिए हम ये सामान लाए हैं। लगभग कितनी बांट? लगभग इससे आप लगा लीजिए अंदाजा कि पूरे देवबंद में ऐसा कोई एक मजबूर या विकलांग आदमी बचा होगा जो ना रहा हो बिना रजाई के। लगभग कितनी बांट? लगभग ये मान लीजिए कोई 250-300 रजाई। आपका नाम? देवेंद्र चौधरी, मीरकपुर। कौन सा संगठन था? आप क्या कार्य करते हैं? देवबंद समाज एकता संगठन की ओर से गरीबों के लिए रजाई बांट रहे हैं। कितनी बांट दी? कितने के लिए? 200-250-300 बांट दी, करीब करीब देवबंद में सारी में ही बांट दी। तो क्या सिर्फ रजाई बांटते हैं, कुछ और भी बांटते हैं? एक कम्बल भी है और वगैरह वगैरह बत्ती चीज़ें।